हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्रामर ग्रामर के पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ग्रामर का जो पहला पार्ट है वो है वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म यानी शब्द रूप। हम जो शब्द बोलते हैं, मनोजह पठतीह, ये शब्द क्या है? एक वर्ड फॉर्म है। वर्ड फॉर्म यानी के शब्दों का उच्चारण। अब मैं जब ग्रामर पढ़ाती हूँ तब पेज नंबर 43, वो आपका चैप्टर नंबर 9 भाषा सज्जता है, वो आप ध्यान से देखना। एक्टिविटी 1, रीड द वर्ड गिवन बिलो विदाउट टचिंग द लिप एंड ईच अदर। यानी आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द आप टचिंग यानी होंठ को टच करे बिना, दांत को टच करे बिना कभी आप बोल नहीं सकते। मनोज, आप मनोज आपने लिप को ज्वाइन किया। पठती, आपने लिप को ज्वाइन किया। भारत, फलम, बबू। इसी तरह से आप रीड द फॉलोइंग वर्ड विदाउट टचिंग द टंग एंड टीथ। आप जीभ और दांत उसको टच करे बिना कितने शब्द वो आप बोल नहीं सकते। तत्पर, आपने देखा कि आप जब तत्पर बोलते हो तो दो दांत के बीच अपनी जीभ आ जाती है। ददाति, धनम, पंथा, ये सब क्या है? स्वर और व्यंजन से बने हुए शब्द है। उसी के आधार पर हम लोग शब्दों का स्थान नक्की होता है। यहाँ पे वर्ण स्थानानी ये टेबल है। ये टेबल देखो कि वहां पे ये जो शब्द बोलते हो वहां वो शब्द का स्थान कहाँ से है वो देखने मिलता है। वोवेल एंड कॉन्सनेंट। वोवेल्स यानी अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। कॉन्सनेंट क ख ग व च छ ज ज ट, ये क्या है? कॉन्सनेंट। कितने सॉफ्ट कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने हार्ड कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने सॉफ्ट वोवेल होते हैं, कितने हार्ड होते हैं, वो सब क्या है? हमारे उच्चारण कहाँ से करते हैं उसी से मालूम पड़ता है। हमारे जो शब्दों का उच्चारण करना है उसके भी स्थान नक्की किए हुए हैं कि ग्यूटरल, प्लेटल, कैरेब्रेट, डेंटल और लीबल। ये जो है वो क्या है? स्थान है। शॉर्ट है, लॉन्ग है और शॉर्ट और लॉन्ग का मिश्रण भी है, संधि लॉन्ग। अ आ ए ई ई ए रू रू लू उ ऊ, इसमें कितने शॉर्ट है? शॉर्ट में कौन से है? अ ई, वो एकदम शॉर्ट से बोलते हो कि अमर, आपने कोई नहीं किया। आशा, आ आपने इसको खेचा है, आपने लॉन्ग किया है, तो वो क्या है? लॉन्ग वॉक्स वोवेल है। इसी तरह से ई एकदम शॉर्ट में, ई इमारत, ईयर, ये सब क्या है? लॉन्ग और शॉर्ट है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट आते हैं कि क ख ग ग च छ, इसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होते हैं। हमारे जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज में 33 कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन और 13 वोवेल है। उसी के आधार के ऊपर केसेस नक्की होते हैं। केस यानी आप मनोज, तो वो कौन सा केस है? तो क्या वो फर्स्ट केस है? वो कहाँ से मालूम पड़ता है? तो आप उच्चारण किस तरह से करते हो, क्योंकि आपको अगर पेज नंबर 45 पर ये इंट्रोडक्शन ऑफ केस है, ये ध्यान से देखना, वहां केस नक्की होते हैं। केस मीन्स विभक्ति। नेम ऑफ द केस, फर्स्ट केस कौन सा है? नॉमिनेटिव केस यानी गज, ये नॉमिनेटिव है। राम नॉमिनेटिव है, लता नॉमिनेटिव है, फर्स्ट केस इज नॉमिनेटिव। सेकंड एजुकेशन, एजुकेटिव यानी कर्म के जो नॉमिनेटिव है, जो गज है वो क्या काम करता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट, गजब काम करने के अंदर कि राम काम करने में कौन से साधन का उपयोग करता है। फोर्थ केस डेटिव, फिफ्थ एबिलिटिव, सिक्स जेनेटिव, सेवन्थ लॉगेटिव एंड सब एंड संबोधन यानी किसी को मान सम्मान से बोलना।
यहाँ व्हाट इज द सो ने इल्यूट्रेशन गजर यानी अल्फा एलिफेंट वो क्या है फर्स्ट केस है गजम गजेन गजाय गजात गजस्य गजेसो विच द स्टडी ऑफ द अबाउट टेबल ऑफ केसेस सेंटेंस ऑफ संस्कृत कैन इजिली बी अंडरस्टूड यानी अगर आप ये सब केसेस जान लोगे तो आप सेंटेंस भी आराम से बना सकते हो विथ द हेल्प ऑफ द अबाउ टेबल फाइंड आउट द सेंटेंस फ्रॉम बुक इन विच डिफरेंट केसेस हैव बीन यूज्ड एंड नॉट देम ये जो है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस ये आपको बुक में CW की बुक में ग्रामर का एक पार्ट पढ़ना उसी में अंदर अब आप ये 3 बार लिखना तो आपको समझ में आ जाएगा रामो बालो नृप साला लता माला वनम पुस्तकम धनम अब राम यहाँ पे राम र प्लस आ प्लस म प्लस अ तो म प्लस अ जो आता है तो वो क्या है अ एंडिंग यहाँ पे आपको अ एंडिंग आ एंडिंग ई एंडिंग एंडिंग के अंदर भी आ के अंदर भी मस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूटर ये 3 बाबत आपको सीखनी है कि रामो हो तो वो क्या है मस्कुलाइन बालो हो वो क्या है मस्कुलाइन बाला हा वो क्या है फेमिनाइन बाला मीन्स लड़की तो लड़की यानी क्या है फेमिनाइन है साला फेमिनाइन लता फेमिनाइन माला फेमिनाइन हवे वनम पुस्तकम धनम ये सब चीज क्या है एक निर्जीव चीज है तो निर्जीव चीज यानी के न्यूटर अब आपको जब केसेस पढ़ना है तो आपको मस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूटर ये तीनों आपको पढ़ना होगा अब मस्कुलाइन के अंदर अ एंडिंग आ एंडिंग ई एंडिंग इसी तरह से फेमिनाइन में भी अ आ ई न्यूटर में भी अ और आ आपको वो पढ़ना है इसकी ये ग्रामर के एक बेस अगर ये ग्रामर आपको आ गया तो समझो संस्कृत भी आपको आ गया अगर ग्रामर में कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप संस्कृत को अच्छी तरह से जान ही नहीं सकते क्लासिफाई द अबव नाउन इन मस्कुलाइन फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर इन संस्कृत सम नाउन एंड विद वोवेल नाउन एंडिंग द वोवेल एंड फॉर वोवेल एंडिंग अगर नाउन एंडिंग वोवेल से होता है तो वोवेल एंडिंग आएगा With the consonant are called consonant ending. For example, vana, bala, sala, etc. are vowel ending. Well, bhagvat, vaka, maruta. यहाँ पे पेज नंबर 46 पर जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने बताया कि रामम मस्कुलाइन एंडिंग अ मैंने आपको केसेस यानी विभक्ति आपको फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केस उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन एक वचन द्विवचन और बहुवचन दूसरे लैंग्वेज में अगर देखोगे तो सिर्फ एक वचन और बहुवचन आपको देखने मिलेगा मगर संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा है कि उसमें 3 वचन होते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन उसी के आधार पर यह टेबल तैयार होता है अब ये टेबल आपको लर्न करना है और अपनी CW के अंदर 3 बार लिखना है एक वचन के अंदर देखो एक वचन द्विवचन बहुवचन मैं जिस तरह से यहाँ पे पढ़ती हूँ उसी तरह से आप लर्न करने की कोशिश करना कि प्रथमा रामो रामो रामा द्वितीय रामम रामो रामानो तृतीय रामे रामाभ्यम रामे चतुर्थी रामाय रामाभ्यम रामेभ्य पंचमी रामातो रामाभ्यम रामेभ्य षष्ठी रामस्य रामयोः रामानां सप्तमी रामे रामयोः रामेषु संबोधन हे रामो हे रामः ये टेबल आपको 3 बार अपनी बुक के अंदर ग्रामर के पार्ट के अंदर आपको 3 बार लिखना है अब आपको एग्जाम के अंदर ये इस तरह से आएगा एक्सरसाइज के आपको रामाय आया है तो रामाय कौन सी विभक्ति है कौन सा एंडिंग है कौन सा वो मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन वो आपको देखना है तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज में लिखा है कि रामाय और एंडिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन रामायोह और एंडिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन
रामेशु अएंडिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन, रामत अएंडिंग पंचमी विभक्ति एकवचन, रामः अएंडिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए एक्सरसाइज में आपको अलग से करना है। ये जो रामा का जो टेबल है उसी के ऊपर से आपको जनह और देवक का टेबल अपने आप से बनाना है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि रामा का टेबल देखकर आपको जनह और देवक का टेबल आपको बनाना है। उसी तरह से मैंने आपको पहले भी बोला कि मस्क्यूलाइन फेमिनाइन और न्यूटर होता है, तो फेमिनाइन में आपको पेज नंबर 47 पर ये टेबल लिखा हुआ है। ये टेबल आप देखना कि उसमें भी केस में केस यानी विभक्ति, सिंगुलर यानी एकवचन, ड्यूअल यानी द्विवचन, प्लूरल यानी बहुवचन, उसमें बालक का दिया है बाला यानी कि आ एंडिंग फेमिनाइन, उसमें भी प्रथमा है बाला बाले बालाहा, द्वितीय बालम बाले बालाहा, तृतीय बालाय बालाभ्यम बालाभी, चतुर्थी बालाय बालाभ्यम बालाभ्य, पंचमी बालाय बालाभ्यम बालाभ्य, षष्ठी बालायः बालयोः बालानां, सप्तमी बालायं बालयोः बालासु, संबोधन हे बाले हे बाले हे बालाः। ये कोष्टक देख के आपको साला माला और सीता ये टेबल बनाना है। अब जो है वो तीसरा पार्ट कौन सा है, न्यूटर। मैंने मस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूटर का आपको बोला था, तो उसमें तीसरा पार्ट है न्यूटर। तो न्यूटर के अंदर भी आपको केस है सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल है, उसमें प्रथमा द्वितीय और संबोधन है, तृतीय से लेकर सप्तमी आपको दिया नहीं है, तो वो आपको रामा के रिस्पेक्ट उसे बनाना है। तृतीय से लेकर सप्तमी तक रामा का टेबल देखकर आपको बनाना है। उसमें वन है, प्रथमा वनम वने बनानी, द्वितीय वनम वने बनानी, संबोधन हे वन हे वने हे बनाने। ये पाठ के अंदर हमने वर्ड फॉर्म यानी कि शब्द रूप के बारे में देखा। अब अगले पार्ट के अंदर हम वर्बल फॉर्म यानी कि धातु रूप है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।